Sangramji, you were on a wheelchair for 8 years, and today you're a world wrestling champion. And Mr. Rizwan, you were born and brought up in the slums of Mumbai, and today you're a world-renowned billionaire businessman. How did you both reach to these extreme heights of success? देखो भाई साहब का तो मैंने देखा, मगर मैं बताऊं, जब मैं बीमार था, छोटा था, तो मुझे विश्वास था कि मैं, मेरे कुछ स्पेशल है। मेरी माँ भी कहती थी कि भैया कुछ भी हो, मेरा बेटा पहलवान जरूर बनेगा। तो मुझे लगा कि भैया मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो बिलीव था, उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। क्या बात है। एंड द सेम विद मी, बचपन में एक जिम्मेदारी आ गई थी, डैडी गुजर गए, तो फिर पूरा घर मुझे ही संभालना था। उसी वक्त कुछ बेचना स्टार्ट कर दिया मैं, तब दूध बेचा मैंने, क्रैकर्स बेचे, बुक्स बेचे। मुझे भी एक बिलीफ हो गया था कि मैं भी एक बहुत बड़ा सेल्समैन जरूर हूँ, कुछ भी किसी को बेच सकता हूँ। आज भी प्रॉपर्टी बेचता हूँ तो वही बिलीफ से काम करता हूँ। What is your success mantra for the younger generation? देखो मैं एक बात हमेशा कहूंगा कि भैया हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया वाले में नहीं पहचानते, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। मेहनत करो, अगर आप मेहनत करते हो ना तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो भैया अपने आप को पहचानो, आप जरूर आगे जाओगे। Absolutely, belief is the most important thing. अपने आप में belief रखो और फिर आपका भी planning करो कि आपको 3 साल के बाद क्या बनना है। Focus करो, उसको implement करो और उसको मेहनत से काम करोगे ना, यकीन मानो आपको कोई रोक नहीं सकता। But most important, believe in yourself. एक चीज और कमी है भाई साहब, हम दोनों ने कर लिया। हाँ। अब दुबई में है ना, देसी गाय भैंस लाएंगे। हाँ। अखाड़ा खोलेंगे। क्या बात है। तो अगला एमिनिटी होगा जेन्यू प्रॉपर्टीज में, देसी गाय, देसी दूध और अखाड़ा।